इधर बगावत से जमीन पर सियासत गिरी है तो उधर पोलो के मैदान में गिर गए खिलाड़ी। पोलो ग्राउंड पर खेले जा रहे मैच का दृश्य, खेलते खेलते बिगड़ा खेल मंत्री चांदना का बैलेंस और घोड़े से नीचे गिर गए मंत्री अशोक चांदना। ये देख वहां मौजूद नेताओं की भी अटकी सांसें, हालांकि चांदना ने किया ठीक होने का इशारा। ये देखने के बाद सभी ने ली राहत की सांस और जैसे ये दृश्य सभी ने देखा तो एक बार के लिए तो सभी की सांसें अटक गई थी। जितने भी वहां पर दिग्गज मौजूद थे उनकी सांसें एक बार के लिए अटक गई, पर जैसे ही खेल मंत्री अशोक चांदना ने इशारा किया कि मैं ठीक हूं तो वैसे ही सभी ने राहत की सांस ली है। तो इधर बगावत से जमीन पर सियासत गिरी है तो उधर पोलो के मैदान में गिर गए खिलाड़ी। पोलो ग्राउंड पर खेले जा रहे मैच का ये दृश्य जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, खेलते खेलते बिगड़ा खेल और मंत्री अशोक चांदना का बैलेंस बिगड़ गया और उसके बाद वो गिर गए। तस्वीरें भी जरा आप देखिए, मंत्री अशोक चांदना किस तरीके से गिरे, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि वो ठीक है, उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। ये देखिए, फिर वो उठ खड़े हुए, खेलते खेलते उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। तो खेल मंत्री अशोक चांदना का बैलेंस बिगड़ा है और घोड़े से नीचे गिर गए अशोक चांदना। और ये देख वहां मौजूद नेताओं की भी सांसें अटक गई एक बार के लिए तो, हालांकि चांदना ने ठीक होने का इशारा किया और उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। और फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, खेल मंत्री अशोक चांदना यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जब वो नीचे गिरे घोड़े से, उसके बाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर वो एक बार तो जमीन पर लेटे हुए नजर आए। अभी इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए एक और तो सियासत जमीन पर गिरी है तो वही दूसरी ओर खेल मंत्री अशोक चांदना बैलेंस बिगड़ने की वजह से घोड़े से नीचे गिर गए। बिल्कुल, देखिए जो पोलो का जो खेल है वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है और हमेशा इसमें रिस्क रहती है, जैसे सियासत में हमेशा रिस्क रहती है कि कब क्या घटित हो जाए। ठीक वैसे ही जो पोलो के खेल की भी स्थिति होती है, जिस तरह से कल कांग्रेस की सियासत में लगातार उठापटक हो रही थी और कभी भी कुछ भी स्थिति हो सकती थी, वैसे ही पोलो के खेल की भी स्थिति ऐसी होती है। ऐसे में खिलाड़ी वही इसमें खेल पाता है जो मजबूत होता है, जो जांबाज होता है, और इसीलिए पोलो को जांबाजी का खेल कहा जाता है। लेकिन जो खेल मंत्री अशोक चांदना जो रेगुलर खिलाड़ी है पोलो के और सियासत में आने से पहले पोलो खेल रहे हैं, इससे पहले क्रिकेट भी वो खेलते थे, तो वो उनको पता है कि इस खेल को कैसे खेला जाता है। हालांकि इस तरह की जो घटनाएं हैं जो मैदान पर गिरने की, ये अमूमन पोलो के खेल में होती रहती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमेशा ये संशय बना रहता है कि कोई गंभीर चोट ना आ जाए, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी गिर जाता है और उसी समय कोई पोनी है वो उसके ऊपर से गुजरता है या कोई घोड़ा उसके ऊपर गिर जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक घटना पहले यहाँ पे घटित हो चुकी है। तो ऐसे में लेकिन आज जब अशोक चांदना गिरे हैं तो ये है कि उनको किसी तरह की चोट ना लगी और वो बिल्कुल फिर से खड़े हुए खेलने के लिए। हालांकि जो कई जो नेता कांग्रेस के नेता पहली बार पोलो मैच देखने आए थे उनकी सांसें इसलिए अटक गई क्योंकि उनको लगा होगा कि घोड़े से गिरने के बाद पता नहीं खिलाड़ी का क्या होगा, क्योंकि वो उनके लिए वो इस खेल के जो है वो कह सकते हैं उनके लिए नया था। सियासत भले ही उनके लिए पुरानी थी जो मैच देखने आए उन नेताओं के लिए, लेकिन पोलो का खेल उनके लिए नया था। और जब उन्होंने देखा कि हाँ अशोक चांदना, उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया, क्योंकि एम्बुलेंस हर समय मैदान पे रहती है, डॉक्टर्स की टीम हर समय मैदान पे रहती है, तो जैसे ही वो गिरे उसके बाद उन्होंने इशारा किया है कि हाँ ऑल इज वेल है, तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन ये पोलो है, इसमें इस तरह की घटनाएं पहले भी घटित हुई है। कई बार जो पोलो मैच में जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है सामने कोई दूसरा घोड़ा, बिल्कुल नरेश देखिए, चाहे सियासत का ग्राउंड हो या फिर पोलो मैच का ग्राउंड, हर जगह बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और यही बात ये तस्वीरें बयां कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।